तमाम चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल आने के बाद आज वोट की काउंटिंग है, यानी आज आखिरी पड़ाव है। आज ये पता चल जाएगा सत्ता किसके हाथ जानी है और प्रधानमंत्री किसका बनना है। सारी पार्टियों की अग्नि परीक्षा है। बीजेपी जहां देश में 400 सीटें लाने का दावा कर रही है, एग्जिट पोल ने कमोबेश वही हाल दिखाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत उसके अलायंस के सभी पार्टनर टीवी चैनलों के सर्वे पर भरोसा कम कर रहे हैं और मतगणना पर ज्यादा कर रहे हैं। लिहाजा आज होने वाले मतगणना पर राजनीतिक दलों की नजर है। बता दें कि यह चुनाव 16 मार्च से शुरू हुआ, चुनाव प्रचार 75 दिन तक चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव की यह प्रोसेस कुल 43 दिन तक चली। अब 4 जून को पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस बार कुल 8360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 1333 नेशनल पार्टी से, 532 स्टेट पार्टी से, 2580 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से और 3915 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। 2019 में 7928 और 2014 में 8205 ने चुनाव लड़ा था। 751 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। आयोग की माने तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है, इसके बाद EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट 2 कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। पहले सेना पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और ऑफिसर्स के वोट काउंटिंग होंगे। काउंटिंग सेंटर पर भी चाक चौबंद टीमें तैनात कर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। इलेक्शन एजेंट सुबह 5 बजे से ही मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं। राजनीतिक दलों की ओर से कार्यकर्ताओं से उन्हें खास तौर से काउंटिंग पर नजर बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग और नसीहत, इसके साथ साथ गुर भी सिखाए गए हैं। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे तक जीत हार का ट्रेंड लोगों को मिलने लगेगा और ये पता चलने लगेगा कि आखिर पलड़ा किस ओर भारी हो रहा है। वोट काउंटिंग को चुनाव आयोग ऑनलाइन अपडेट करता रहेगा, साथ ही राजनीतिक दलों के इलेक्शन एजेंट भी हर राउंड में पड़े मतदान का आंकड़ा पार्टियों को देते रहेंगे। इसके अलावा ये कार्यकर्ता ही गिनती की पूरी प्रक्रिया को देखरेख करेंगे। पक्ष और विपक्ष में पड़े वोट का भी मिलान किया जाएगा और EVM मशीनों की जांच की जाएगी। यानी सब देखा जाए तो आज कुछ ही घंटों का खेल है, जिसके बाद ये धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आखिर सत्ता में कौन काबिज हो रहा है और किसका प्रधानमंत्री बन रहा है। क्योंकि इस बार की लड़ाई दोनों तरफ से भारी नजर आ रही है। बीजेपी जहां इसे हल्के में ले रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष को अब भी लग रहा है कि वो भारी पड़ रहा है। फिलहाल आज को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, उसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करके रखें वन इंडिया हिंदी को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।